दोस्तों आज हम लोग खोलेंगे एक गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जर को और देखेंगे गैलियम नाइट्रेट को। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ऑलरेडी मैं इसको तोड़ चुका हूं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक पुरानी वीडियो में आपको इन मेटल शील्ड की कहानी समझा दी थी, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा से रिपीट तो नहीं करूंगा। तो कुछ इस टाइप की इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसको फर्दर खोलने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने इसको खोला क्यों। इंडियन पिन इसको लगाना था मुझे, तो जब मैंने खोल ही लिया तो मैं आप लोगों को इसके इंटरनल्स दिखा देता हूँ। दो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, SM ट्रांसफार्मर, और दो बड़े बड़े कैपेसिटर भी हैं, दो बड़े बड़े सुपर कैपेसिटर भी हैं। इंडक्टर यहाँ पर एक ही दिख रहा है। तो एग्जैक्टली मैं आई होप कि यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर हो जो कि AC को DC में कन्वर्ट करा, उसके बाद दो अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए दो अलग अलग ऑसिलेटर्स होंगे और फाइनली इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर आउटपुट दी जा रही हो। तो चलिए सबसे पहले इस मेटल को हटा देते हैं। यहाँ पर एक थर्मल पैड कहेंगे या फिर इसको थर्मल शीट कहेंगे। इस टाइप की एक शीट यहाँ पर बिछी हुई है टू एक्सट्रैक्ट आई थिंक हीट। अब ये इतनी हीट जनरेट करता भी है, थ्योरी पेपर तो नहीं कहती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली में तीन चीज़ों पर इस थर्मल पैड को रखा गया था। चलिए हट गया। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ है हमारा गैलियम नाइट्रेट जिसके लिए हम लोगों ने इस पूरी चिप को खोला है। यह है इस एडेप्टर का मेन बोर्ड। इसमें दो सेक्शन हैं ईच ऑफ 50 वाट और हर सेक्शन में एक जैसी कंपोनेंट है। यहाँ पर है ब्रिज रेक्टिफायर LT9B4C। AC इनपुट यहाँ पर है, आउटपुट यहाँ पर है। एक MOSFET है पावर इंटीग्रेशन का 6220 और यहाँ पर है मेन गैलियम नाइट्रेट बेस IC। ये पावर इंटीग्रेशन की IN3379C है। सारी स्विचिंग, सारी जो कंट्रोल है ये इसी से हो रही है। ऐसे दो IC हैं, दो ब्रिज रेक्टिफायर हैं और दो MOSFET हैं और लगभग इक्वल कंपोनेंट हैं। तो ये जो पावर अडेप्टर है ये 50-50 वाट में 100 वाट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर दो सॉलिड स्टेट कैपेसिटर हैं, बड़े कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं। ज़्यादा कुछ खास तो बाहर से नहीं दिखेगी, नहीं समझ में आएगा कि एक सिलिकन बेस IC में और एक गैलियम नाइट्रेट बेस IC में क्या फ़र्क होता है। बस आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, गैलियम नाइट्रेट बेस जो IC है वो ज़्यादा पावर को हैंडल कर सकती है एट हायर टेम्परेचर, जबकि सिलिकन बेस IC 120 डिग्री तक स्टेबल बनी रहती है, उसके बाद वो लीक करना शुरू कर देती हैं। बाकी ये जो चार्जर है ये कैसे वर्क करता है, बिल्कुल सेम वही इलेक्ट्रॉनिक्स, वही फंडा है जो कि आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। SMP सप्लाई है जिसमें पावर जो सेक्शन है जो कंट्रोलिंग है वो ये गैलियम नाइट्रेट बेस चिप कर रही है। बाकी आउटपुट में एक और छोटा सा बोर्ड है जो कि कम्युनिकेशन बोर्ड है, जो कि आपके गैजेट के साथ, लैपटॉप, टैबलेट या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ कम्युनिकेट करके आपको PD 3.0 आउटपुट देगा। तो फाइनली गैलियम नाइट्रेट चिप हमें मिल गई है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद करो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चिप को देख पाएं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।